तो यार रोज़ की तरह मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, पानी पिया एंड मुझे पता चला कि आज जिम बंद है। बट मैं अपना पुश वर्कआउट मिस नहीं करना चाहता था, तो मैं फटाफट छत पे गया एंड वार्म अप करना चालू किया। तो भाई वैसे तो मैंने सारी वीडियोज़ इस पर 2x पे डाली है, बट अगर आप फिर भी वार्म अप एक्सरसाइज से बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा आगे स्किप करके मेन वर्कआउट की तरफ चले जाएं। वार्म अप ख़त्म करने के बाद मैंने ले लिए 3 सेट पुशअप्स के, बट वीडियो में आपको एक ही दिखाऊंगा एंड उसके बाद चेक कर ली कि आफ्टर वार्म अप बॉडी की कंडीशन कैसी है। बॉडी की कंडीशन देखने के बाद हमने चालू किया विद अ वर्कआउट एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज इज रेजिस्टेंस बैंड क्रॉस ओवर्स। इसके हमने किए 3 सेट्स 12 रेप्स के। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जो है रेजिस्टेंस बैंड पेक डेक फ्लाई, और इसके भी हमने ले लिए 3 सेट्स ऑफ 12 रेप्स। इसके बाद हमने करी अपनी चेस्ट की थर्ड एक्सरसाइज जो थी लो एंगल रेजिस्टेंस बैंड क्रॉसओवर विद सिंगल हैंड। इसके भी हमने लिए 3 सेट ऑफ 12 रेप्स एंड ये थी हमारी चेस्ट की आखिरी एक्सरसाइज। इसके बाद हमें चालू करना था अपना शोल्डर वर्कआउट, तो हमने सबसे पहले ले लिया 1 सेट पाइक पुशअप्स का टू वार्म अप आवर शोल्डर्स एंड देन हमने चालू करी अपनी शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि थी रेजिस्टेंस बैंड प्रेसेस, क्योंकि डंबल तो अपने पास थे नहीं। ये टारगेट करेगा आपके एंटीरियर डेल्टॉइड्स को। इसके लेने हैं 3 सेट्स 12, 10, 8 रेप्स के। इसके बाद हमें ट्रेन करना था शोल्डर का लैटरल हिट, तो हमने ले लिए रेजिस्टेंस बैंड के साथ लैटरल रेजेस। इसके मैंने लिए 3 सेट्स ऑफ 12 रेप्स। अगर आप चाहें तो 12 टू 15 के रेप रेंज में रह सकते हैं। एंड देन फाइनली फॉर द रियर डेल्ट्स हमने कर लिए रेजिस्टेंस बैंड फेस पुल्स 3 सेट्स 12, 10, 8 रेप्स। इसके बाद हमें अपना शोल्डर वर्कआउट खत्म करके चालू करना था ट्राइसेप वर्कआउट, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने ट्राइसेप्स को निहार लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट विद अ फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज वाइड ग्रिप रेजिस्टेंस बैंड एक्सटेंशन जो कि टारगेट करेगा आपके ट्राइसेप के लैटरल हेड को। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में हमने ले लिया सिंगल हैंड रेजिस्टेंस बैंड एक्सटेंशन जो कि टारगेट करेगा हमारे लॉन्ग हेड को। दोनों एक्सरसाइज में मेरे हाथों की पोजीशन देख लेना, उसी से फर्क पड़ता है कि आपका कौन सा हेड ज़्यादा इंगेज हो रहा है। इसी के साथ हमारा पुश वर्कआउट ख़त्म होता है। इसके बाद स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन एक्सरसाइजेस करना ना भूलें, और ये है हमारे बॉडी की फाइनल कंडीशन आफ्टर वर्कआउट। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।